हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना दीक्षित एक बार फिर से आपका आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 से द्वितीय अध्याय मीराबाई के पद भाग 1 का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीरा पदावली, जिसमें पहला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले नंद के लाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में उली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं और इसके साथ अरुण तिलक दिए भाल और मस्तक पर लाल रंग का तिलक जो है वो सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल। और आपके सुंदर विशाल नेत्रों से आपका जो सांवला रंग, आपका श्याम वर्ण का जो शरीर है, श्याम वर्ण का शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अक्षर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है, मुरली बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल। और आपकी कमर में बंधी कर्धनी में क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं और नुपुर सबद रसाल। और आपके चरणों में, पैरों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। तो मीरा कहती हैं, हे प्रभु, आप संतन, संतन मतलब सज्जन, आप सज्जनों को सुख देने वाले और भगत बछल गोपाल और भक्तों से प्यार करने वाले और आप अनुपम सुंदर हैं, तो इसलिए आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। दूसरा है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। और मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके प्रदान की थी। वस्तु अमोलक, अमूल्य वस्तु दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे प्रदान की थी और मैंने उसे अंगीकार कर लिया है। इस प्रकार मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई और इस प्रकार मैंने अपने जन्मों के संचित पूंजी यानी पुण्य फल, जो जन्मों का, कर्मों का जो फल है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोवायो और जितने भी संसारिक मोहमायाओं हैं, उन मोह माया है उनका मैंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। और यह राम नाम की पूंजी ऐसी अनोखी है, ऐसी विचित्र है कि ये खर्च करने पर भी कम नहीं होती है और न इसे चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। और ये प्रतिदिन दिन दिन जो है बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुर। और मैंने इसी सत्य नाम, सत की नाव, सच्चाई की नाव मतलब ईश्वर के नाम जो है वही सच्चा है, और उस ईश्वर के नाम की रूपी नौका पर सवार होकर जिसके खेवटिया कौन है, जिसके केवट कौन है, जिसको खेने वाले कौन है, सतगुरु यानी मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को भव सागर तरिया यानी संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर,
श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, हरक हरक जस गायो, और मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। अगला है माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती हैं कि उन्होंने मतलब इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार किया है और कह रही हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंद मोल, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। अब इसमें से बहुत लोग कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छाने मतलब छुपकर, मैंने श्री कृष्ण को छुपकर लिया है, और कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को चोरी से चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैं कहती हूँ लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने श्री कृष्ण को ढोल बजाकर सभी को बताकर उन्हें अपनाया है। बजंता ढोल मतलब ढोल बजाकर, मैंने ढोल बजाकर यानी सभी को बताकर खुलेआम मैंने श्री कृष्ण गोविंद को मोल लिया है। कोई कहे मुहगो गोई कहे सुहगो। मुहगो का मतलब महंगा और सुंगो का मतलब सस्ता। तो कोई कहता है कि ये जो सौदा मैंने किया है ये बहुत महंगा है, और कोई कहता है कि ये सौदा जो है बहुत सस्ता है, यानी मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते बहुत सहज प्रयत्न से पा लिया है, पर लियो री तराजू तोल। तो कोई कहता है कि मेरा ये सौदा बड़ा महंगा है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर देखा, अपने हृदय रूपी तराजू पर तोल कर देखा, और तब जा कर के मैंने उन्हें मोल लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, चाहे उसे कोई काला कहे चाहे उसे कोई गोरा कहे। लियो री अमोलक मोल, पर मेरे लिए वो जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले में खरीदा गया है, इसलिए वो मेरे लिए अमूल्य है। याही कू सब जागण है लियो री आँखी खोल। सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आँख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। सब जानते हैं, सब जागरण है, ये सब जानते हैं लियो री आँखें खोल कि मैंने श्री कृष्ण को आँख बंद करके या अंधविश्वास में लीन होकर के मैंने श्री कृष्ण को मोल नहीं लिया है। उसने तो आँखें यानी मैंने तो आँखें खोलकर सब कुछ सोच समझ कर श्री कृष्ण से प्रेम संबंध जोड़ा है। मीरा कु प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म को कोल। और कहती हैं कि मीरा कहती कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं। मीरा कु प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म को कॉल, और वो कहती हैं कि मेरे पूर्व जन्म के साथ ही मेरे श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया था, अतः उनके दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ या मैं खुश हो गई हूँ, मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया है। धन्यवाद।